हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग का कंप्लेन रहता है कि मारुति सुजुकी में जो एसी दी जाती है उसका जो कूलिंग होता है वो बहुत ही खराब होता है। तो बेसिकली आज उसी चीज के बारे में आज टोटल डिस्कस करने वाले कि कैसे मारुति सुजुकी इको का जो एसी है उसको ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, मीन्स बहुत कम समय में कैसे ज्यादा चिल्ड हम इसको कर सकते हैं और इससे कैसे क्या क्या सेटिंग करने से आपका एसी का जो कूलिंग है वो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। अगर आपके पास भी अगर इको है या फिर अगर आप इको गाड़ी लेने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अब समर का भी महीना आ गया तो अब एसी का जो है यूसेज बढ़ जाएगा, तो इससे आप ज्यादा इफेक्टिव आप गाड़ी का जो एसी को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स देखिए, मारुति सुजुकी इको में कुछ इस टाइप का एसी आती है। इसमें अभी नया मॉडल में कुछ अलग सा थोड़ा सा नॉब वगैरह आ गया, बट सबका फंक्शन वही है और एसी आपका सेम ही रहने वाली है। जो कंप्रेसर है सब कुछ सेम रहनी है, बट यहाँ पे बटन्स का कुछ कुछ फर्क हो गया, बट लगभग सब कुछ एक ही है, सिस्टम वही है। तो फ्रेंड्स देखिए, इको में जो गाड़ी में जो एसी लग के आती है, बेसिकली जो गाड़ी है इको बहुत बड़ी गाड़ी है। जैसे आप देखेंगे इसमें बड़ा बड़ा ग्लासेस लगा हुआ रहता है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा जो मिरर है जो दी जाती है, ग्लास दी जाती है, विंडो ग्लास, वो बहुत बड़ी बड़ी रहती है। चाहे आप फ्रंट का कर लो, बैक का कर लो, साइड का कर लो, और ये इसमें सेवन सीटर वेरियंट भी आती है। तो इसमें बेसिकली तीन पार्ट में ग्लास दिया हुआ, साइड में आप देखेंगे एक फ्रंट में, एक मिडिल में, एक रियर में, ठीक है, तीन लाइन पे हो गया एक साइड में, फिर एक साइड इधर, फिर फ्रंट और रिवर्स। इसमें बेसिकली बहुत ज्यादा ग्लासेस दी जाती है और इसमें बहुत ज्यादा केबिन भी, बड़ी बड़ी स्पेसेस काफी ज्यादा है। तो बेसिकली ये जो एसी है और इसमें पीछे में कोई वेंट्स वगैरह भी नहीं है, तो फ्रंट से बैक तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके कारण ये गाड़ी जल्दी चिल्ड नहीं हो पाती है और इससे जो जितना बड़ा बड़ा ग्लास है उससे क्या होता है, हीट एंटर हो जाती है, गाड़ी गर्म भी हो जाती है बहुत जल्दी और कूलिंग होने में टाइम लगती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली देखिए, इस केस में आपको क्या करना है, आपकी गाड़ी का इंजन तो वही है, कंप्रेसर भी है, वही सब कुछ रहने वाला, इसमें तो चेंज नहीं हो सकता, बट हाँ कुछ सेटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे करने से आपका गाड़ी का जो कूलिंग है वो कहीं ना कहीं हद तक 30% आपका कूलिंग बढ़ जाएगी। तो बेसिकली देखिए, जब गाड़ी खड़ी करें तो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप है, आप कोशिश करें कहीं शेड के नीचे खड़े करें, कोई पेड़ के नीचे खड़े करें जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही। तो उस केस में आपके गाड़ी में जो अंदर जो गैस बन रही है, जो हीट हो रही है, वो थोड़ा कम होगा। और अगर नहीं है कहीं इमरजेंसी में आपको खड़ी करनी है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़े, जहां पे कोई शेड वगैरह नहीं है, तो वहां पे क्या करें, यहां पे आप देख रहे हैं कुछ बटन देख रहे हैं, यहां पे देखिए ये रिसर्कुलेटिंग मोड है और यहां पे फ्रेश एयर इंटेक मोड है। तो ये जो नॉब है इसको इधर कर दे, देखिए इधर कर दे। इधर करने से क्या होता है कि जो इसके नीचे जो वेंट होती है, एयर वेंट, उसका जो बाहर का इंटेक्ट वो खुल जाती है। तो जो आपके केबिन के अंदर जब गाड़ी लॉक रहेगी तो जो गैस बनेगी वो बाहर से निकलते रहेगी, ठीक है। वो एक बाहर का जब डक्ट खुल जाने के बाद जो बाहर का एयर है वो ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलते रहेगी। उससे कई हद तक आपका जो टेम्परेचर इसको बंद रहने की वजह से जो होगा और ये खोलने के बाद कई हद तक आपको टेम्परेचर का डिफरेंस जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए बहुत हद तक क्या होता है कि गाड़ी का कई बार ऐसे तो कोशिश करें कि हल्का सा, जैसे ये विंडो, ठीक है, इतना कोशिश करें कि इतना विंडो खुला रहने दे, ठीक है। बट अगर कहीं पे सेफ्टी पर्पस से आपको नहीं खोल सकते हैं तो ये वाला काम जरूर करें, ठीक है। आप विंडो खोल दे और ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट ये वाला काम मत भूलिए। कहीं भी पार्क कीजिए गाड़ी को, इसको फ्रेश एयर इंटेक मोड में कर दे और थोड़ा सा विंडो खोल दे। अगर नहीं खोल सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको सेफ्टी प्रॉब्लम लग रहा है, कोई प्राइवेसी का खतरा लग रहा है तो आप वहां पे नहीं खोले, बट ये वाला काम जरूर करें। इससे क्या होगा कि 2-3 degrees आपको इसके कंपैरिजन से जरूर कम रहेगा। ये तो पहला हो गया गाड़ी पार्क करने। अब जब गाड़ी आप निकालने आए तो क्या करें, तो फ्रेंड्स देखिए, गाड़ी जब निकालने आते हैं तो आप एक मिनट सारे विंडो को खोल करके सिर्फ इसका गाड़ी का जो ये जो ब्लोअर है इसको ऑन कर ले, फुल कर ले, ठीक है, ये फुल कर ले और उसको इसका जो मोड है ये देखिए, ये नीचे की ओर कर दे, ये यहां पे ले आए, ये मींस पैर के नीचे। अब देखिए इसके बाद जब आप इसको एयर ब्लोअर को ऑन करेंगे, देखिए नीचे से ये देखिए प्लास्टिक देखिए कुछ हिल रहा है, ठीक है, ये नीचे से हवा मार रहा है, देखिए यहाँ पे इधर से नहीं आएगा, यहां से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहां से आ रहा है। इससे देखिए क्या होता है कि जब जो गर्म हवा होता है वो भारी होता है, वो ऊपर की ओर भागने खोजता है, ठीक है, और जब नीचे से प्रेशर देंगे तो नीचे से उठ के निकल जाएगा। मीन्स आप विंडो सब ओपन कर लेंगे तो वहां से क्या होगा कि गर्म हवा बाहर निकल जाएगा। अभी मैं एसी चालू नहीं किया, सिर्फ ब्लोवर, इसको फ्रेश एयर इंटेक मोड में ही रहने दे और इसको फुल कर ले और इसको नीचे कर ले, तो ये नीचे से प्रेशर देके ऊपर ढकेलेगा, गर्म हवा ऊपर की ओर होता है, गर्म कोई भी चीज ऊपर की ओर होता है, तो वो ऊपर से निकल जाएगा। विंडो सारा थोड़ा देर के लिए खोल दे, ज्यादा नहीं, 30 seconds या फिर 1 minute के अंदर अंदर में आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप गाड़ी को चालू करें,
चालू करने के बाद अभी विंडो ओपन मीन्स विंडो को क्लोज ना करें, अभी सारा ओपन ही रहने दे। चालू होने के बाद आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर जो भी अपना सेट करके फैन का स्पीड 1-2 नंबर में लगा करके गाड़ी को चालू कर ले, ठीक है। और उसके बाद इसको यही मोड में रहने दिए। थोड़ा दूर चलने के बाद, थोड़ा दूर जैसे ही चलते हैं आप, एक मिनट मान के चलिए, थोड़ा आगे बढ़े, तो इसको वापस से यहाँ पे कर ले फ्रंट में। अब देखिए मैं कर ली, तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी जो गर्म हवा है वो निकल गया, अब जो कूलिंग कर रहा है अब सीधे आपके फेस की ओर आएगा। तो उसके बाद आप धीरे धीरे करके करके क्या कीजिए, जो विंडो है सब ओपन मींस क्लोज कर ले, तो आपके केबिन आप नॉर्मल जो गर्म हवा है वो निकल गया, अब आपका कूलिंग धीरे धीरे होने लगेगा। देखिए जब तक गर्म हवा केबिन के अंदर बना रहेगा, गर्म बना रहेगा, तब तक कूलिंग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको ठंडा करने में टाइम लगेगा। इससे अच्छा उसको पहले बाहर निकाल दीजिए, मींस जो एयर इसमें गर्म हो चुका उसको पहले बाहर निकालिए, क्योंकि अगर उसको ठंडा करने में लग जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर लाएगा फिर उसको कूल करेगा, अदरवाइज आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसको बाहर फेंक दीजिए गर्म का जो भी अंदर का टेम्परेचर है, और जो नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद अब उसको ठंडा कीजिए, तो वो जल्दी होगा। अगर उसको अगर नहीं बाहर निकालते तो पहले उसको नॉर्मल करेगा फिर नॉर्मल से ठंडा करेगा, तो उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस केस में आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा मोड है, इसको मोड को यूज करें। उसके बाद आप क्या करें, फटाक से इसको एसी को ऑन कर ले और चलते चलते में ही आप फिर सारा विंडो को लगा ले, तो इस केस में आपका बहुत जल्दी गाड़ी इफेक्टिव जल्दी जल्दी कूलिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन है मुझे सिंपल कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लिए मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।